नमस्कार दोस्तों, कृष्णा यस्मि आपका स्वागत है। और आज हम बीपीएससी मेंस 67 की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल बीपीएससी मेंस के अंतर्गत बहुत ही हाई स्कोरिंग पेपर है और बहुत लंबी अवधि तक के ऑफलाइन क्लास से बंद रहने के कारण हम डायरेक्ट आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप दिल्ली में ऑफलाइन क्लास खुल चुकी है, तो जो लोग दिल्ली आकर पढ़ना चाहें वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकते हैं, और जो लोग बिहार में रहकर अपने घर में रहकर पढ़ना चाहें वो ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं और एक स्पेशल बैच बीपीएससी मेंस 67 हिंदी माध्यम के लिए, इंग्लिश माध्यम की एक सेपरेट बैच चल रही है, तो हिंदी माध्यम की एक अलग बैच हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मानव विज्ञान का और ख़ास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, तो कई ऐसे छात्र हैं जो हिंदी माध्यम लेकर के मानव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और वो जुड़े भी हैं हमारे साथ। बड़ी संख्या में स्टूडेंट जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बीपीएससी मेंस 67 एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा करेंगे। अगर आप बीपीएससी मेंस को टारगेट कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि इस बार बीपीएससी मेंस में सीट की संख्या बढ़ गई है, और अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी अगर आपको करना है या आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो किन किन महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। मतलब एक समग्र रणनीति बीपीएससी मेंस 67 को लेकर आप पे बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करके ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी फॉर्मेट में आप हमारे साथ ज्वाइन करके अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। दरअसल जब हम किसी विषय की तैयारी करते हैं और ख़ास करके किसी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने होता है कि जिससे एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को देखें, उसके पाठ्यक्रम को देखें, तो बीपीएससी मेंस का जो आपका सिलेबस है, बहुत गौर से सिलेबस आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कुछ जगहों पर सिलेबस में जो चीज़ मेंशन नहीं है उस पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जहाँ पर सिलेबस में कुछ चीज़ें मेंशन हैं उससे अक्सर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो पहला जो एक स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी शुरू करता है तो उसको एक काम करने चाहिए कि अपनी सिलेबस को अपनी कॉपी में लिखकर और 2-3-4 बार अपने सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस की समझ बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और एक ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ें। सिलेबस के बाद अगर दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स से के क्वेश्चन हैं वो हमें इनसाइट देते हैं कि आखिर सिलेबस को जो हम तैयार कर रहे हैं उस सिलेबस को किस दिशा में हमें तैयार करना है। तो हम आज की इस चर्चा में सिलेबस की भी चर्चा करेंगे,
कुछ प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड की का भी एनालिसिस करेंगे, और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या पढ़ें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप के पास सोर्सेस सही नहीं है, सही सोर्सेस का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर एक अलग तरह का कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होता है। तो सबसे पहले सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, और फिर क्या पढ़ें, यानी मटेरियल्स जो है हमारे पास किस प्रकार का सामग्री है और किस प्रकार के मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के क्रम में हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। ध्यान देना है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना आपका लक्ष्य होता है। एक चीज ध्यान ये रखना है कि अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करते हैं तो 300 में 200 प्लस मार्क्स भी कई लोग लाते हैं, और अगर आपको 180, 90, 200, 195 मार्क्स अगर आ जाए तो फाइनली आप क्वालिफाई करते हैं। तो फाइनली क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, हमें किस तरह से अपनी रणनीति को बनाना है, और ऐसी रणनीति बनाना है जिसके माध्यम से हम एक बार में ही क्वालिफाई कर जाएं, राइट, बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि आपको अपना सिलेबस देखना है, और आपका जो सिलेबस है वह तीन खंडों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत पहला खंड जो है वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, राइट, पहला जो खंड है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। दूसरा जो खंड है ये हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के खंड को पढ़ेंगे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण खंड है ये हमारा है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। जो लोग पहले से परीक्षा दिए हुए हैं उनको इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक खंड के लिए बीपीएससी ने 100 मार्क्स निर्धारित किया है, यानी कि हमें इस सोशियो कल्चर के लिए 100 मार्क्स और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी 100 मार्क्स, और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी हमें 100 मार्क्स की तैयारी करनी है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रत्येक खंड से चार चार प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट, जिसमें तीन जो प्रश्न होता है वो लॉन्ग आंसर होता है और एक प्रश्न शॉर्ट आंसर होता है, जिसके अंतर्गत चार पांच महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है जिसपे शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है बीपीएससी के द्वारा। तो चार क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, चार क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, और चार क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, और प्रत्येक खंड से दो क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। इस तरह से दो क्वेश्चन आपको सोशियो कल्चर से लिखना है, दो क्वेश्चन फिजिकल से लिखना है, और दो क्वेश्चन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से लिखना है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ एक और ऑप्शन उस खंड के अंतर्गत दूसरा जो खंड है उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी भी है, उसमें से या तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप चूज कर सकते हैं या एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी चूज कर सकते हैं। कुछ छात्रों को यह कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सिलेबस में दोनों दिया हुआ है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी देखते हैं तो उनके मन में आता है क्या उसे भी पढ़ना है। तो आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में से कोई एक सेक्शन पढ़ना है, एक सेक्शन का ही आंसर करना है। हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को प्रेफर करते हैं, इसलिए हम आज एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं,
और एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये 100-100 मार्क्स और प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन का आंसर हमें करनी है। इस तरह से हमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना है और हमारे पास होता है 3 घंटा समय। तो 3 घंटे में 6 क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसलिए जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हालांकि क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, कई छात्र इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन जो है उस 50 नंबर के क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखें। अब देखिए, 6 क्वेश्चन अगर आपको लिखना है 3 घंटा में, तो अगर आपका स्पीड बहुत अच्छा है और आप साफ सुथरा स्पीड के साथ लिख लेते हैं तो 3 घंटा में आप अधिक से अधिक 3000 शब्द लिख पाते हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि आप एक क्वेश्चन में 500 शब्द लिख सकते हैं, जिनका स्पीड कम है वो 450 शब्द भी लिख सकते हैं, क्योंकि शब्द या पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता है, राइट? इसलिए केवल पेज भर के आप कंपटीशन की तैयारी में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। कई तरह के रिमर है बीपीएससी के संदर्भ में। कई लोग कहेंगे कि पूरे पेज भर दो, पेज में कंटेंट रहेगा तब तो मार्क्स मिलेगा। इसलिए एकदम से कंसाइज वे में पढ़ना पड़ता है, और कई बार आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एक जो क्वेश्चन है 500, एक क्वेश्चन जो 50 नंबर का है उसके भीतर में 2 क्वेश्चन है, राइट? 2 चीजें पूछी जाती है एक ही क्वेश्चन में, तो फिर आपको 250 शब्द यानी 200 शब्द में आपको मटेरियल तैयार करना है। तो ध्यान ये रखना कि मटेरियल आपको बड़ा कंसाइज तैयार करना है, अदरवाइज आप 3 घंटे में 5 क्वेश्चन ही लिख पाएंगे, 1 क्वेश्चन छूट जाता है लोगों का, फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और जिन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है उन लोगों को मैं इसी वे में ट्रेनिंग देता हूं ताकि वो बेहतर मार्क्स भी प्राप्त कर लें और आसानी पूर्वक कम मेहनत में क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए हमने कहा कि सिलेबस की समझ होनी चाहिए, और सिलेबस के अंतर्गत कुछ ऐसे पहलू हैं तीनों ही खंड में जिसमें कुछ विशेष काम करके, कुछ एक्स्ट्रा करके आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो आप सिलेबस को समझिए, क्योंकि सिलेबस ही अगर आप नहीं समझ पाते तो फिर क्वेश्चन आता है तो फिर कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होती है लोगों को, कि बीपीएससी ने हाल के वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कुछ क्वेश्चन प्रेस्ट पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्योंकि जब आप सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो फर्स्ट टॉपिक आपका जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट? मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र, और इसके अंतर्गत मानव विज्ञान के ब्रांचेज भी दिया हुआ है, ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की शाखाएं। अब ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि बीपीएससी लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा। जैसे 66th में अगर आप देखिएगा तो बीपीएससी ने प्रश्न पूछा कि व्हाई डू वी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी एज ए होलिस्टिक साइंस, यानी मानव विज्ञान को समग्र विज्ञान क्यों कहते हैं। ये बीपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा,
ध्यान ही रखना है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र और मानव विज्ञान की शाखाएं टॉपिक का नाम है, लेकिन होलिस्टिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एक समग्र विज्ञान है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट, मानव विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण, मानव विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण, राइट। ये टॉपिक डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आमतौर पर जो स्टूडेंट बिहार में अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, पटना में रह के जो तैयारी कर रहे हैं, वो सिंपली क्या करते हैं कि चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र, तो वो उस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, और जब भी प्रश्न पूछा जाता है थोड़ा सा कुछ अलग हटके, तो कुछ कुछ सोच के लिख देते हैं और बाहर आके कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है, और जब मार्क्स आ रही है तो वो कह रहे हैं कि मार्क्स मुझे अच्छा नहीं मिला, राइट। तो मार्क्स तब मिलेगी जब आप विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझेंगे, और जहां कुछ टॉपिक हिडन है, यानी कि वो टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज की जानकारी कैसे होगी कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं टॉपिक में या सिलेबस में वो बातें मेंशन नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। और इसलिए जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाएं, तो एक टॉपिक जरूर आप पढ़ें कि मानव विज्ञान जो है, एंथ्रोपोलॉजी जो है, इसकी अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है, इसकी अध्ययन का अप्रोच क्या है, या फिर एक टॉपिक और बना ले, यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक विशिष्ट विज्ञान है, कैसे एक विशिष्ट विज्ञान है, यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की एक टॉपिक आप बना लें। आप देखिएगा कि जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और अप्रोचेस टू एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। एक तो होलिस्टिक अप्रोच, समग्रता का दृष्टिकोण, दूसरा जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण। देखिए, जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानव विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख अप्रोच है। तो बीपीएससी ने जहां होलिस्टिक साइंस पूछा, वहीं ईपीएससी ने पूछ दिया 2021 में बायोकल्चरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो अप्रोच आपको जानना है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म और डेप्थ स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा क्षेत्र कार्य पद्धति है, फील्ड वर्क मेथड हम अप्लाई करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए। फील्ड ऑफ ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, विषय वस्तु में दिया हुआ है, टॉपिक में। इसके अलावा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन। तो आपको जानना चाहिए कि सहभागी अवलोकन क्या है। सहभागी अवलोकन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए कभी ऐसा प्रश्न अगर उसके साथ मिक्स करके कोई चीज पूछ देगा तो फिर आपको परेशानी होने लगती है। इसकी अलावा हिस्टोरिकल मेथड की बात हम कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कंपैरेटिव मेथड, इमिक एंड एटिक अप्रोच, ये तो मानव विज्ञान के अध्ययन का फंडामेंटल दृष्टिकोण है, बेसिक दृष्टिकोण है। इससे सभी स्टूडेंट को अवगत होना चाहिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं।
अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते, और कई लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है जो दो बार तीन बार मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, और उनको भी इसकी जानकारी नहीं होती और दो चार पांच कम नंबर आने के चलते वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका समय भी लंबा लगता है और आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी होता है। तो इसको ध्यान में रख के आपको एक चीज़ ध्यान में क्लियर कट रखना चाहिए कि हमें जो सिलेबस दिया है केवल उसी को पढ़ के जा रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें उससे इंटरलिंक्ड है, उन चीज़ों का अध्ययन हम जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसी तरह इस टॉपिक के अंतर्गत एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बीपीएससी का सिलेबस है उस सिलेबस में मानव विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध नामक टॉपिक नहीं है, राइट? लेकिन आप 66 के जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोलॉजी दिया हुआ, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र। तो आप एक चीज और टॉपिक बना लीजिएगा कि रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे विषय के साथ क्या संबंध है। अगर आप इस टॉपिक को बनाते हैं तो फिर इस तरह के प्रश्न जो आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है तब पर भी आपको पढ़ना है। एक पहले भी बहुत पहले आप देखिएगा बीपीएससी के क्वेश्चन को, तो बहुत पहले भी बीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि सामाजिक विज्ञानों में मानव विज्ञान के महत्व की चर्चा करें, इम्पॉर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन सोशल साइंसेस। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन सोशल साइंसेस जब आप लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर आप रिलेशनशिप पढ़े हैं तभी तो आप उसको लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लिख नहीं पाते हैं, या जो कुछ भी आप लिखते हैं सोच करके दाएं बाएं करके तो फिर वो एप्रोप्रिएट नहीं लिखाता है और इसके कारण आपको मार्क्स कम आती है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इस टॉपिक को जब आप पढ़ने जाएं, खास करके इस टॉपिक को, तो नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ें, नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, और रिलीवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़े हैं, रिलीवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट? नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और रिलीवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की प्रकृति, ये भी आपको पढ़ना है, कभी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, इस पर कई बार बीपीएससी प्रश्न पूछा है। इवन कि अलग अलग जो मानव विज्ञान के ब्रांचेस हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, भौतिक मानव विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, पुरातात्विक मानव विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, भाषाई मानव विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, व्यवहारिक मानव विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और पहले से प्रिपेयर रखना है ताकि आप प्रश्न आए डायरेक्टली इस पर आए तब पर भी लिख सकें, या इनडायरेक्टली भी इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकें जब कभी आपको सिंपली अगर पूछ दे कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान पर शॉर्ट नोट्स लिखिए या सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का क्षेत्र लिखिए, तब पर भी आप उसकी प्रासंगिकता को लिखते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी के, जिसमें संस्कृति, सभ्यता, समाज, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, समुदाय, संघ या समिति, बैंड एवं ट्राइब यानी वृंद एवं जनजाति। देखिए ये कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोलॉजी का,
जिसमें कई लोगों को दिक्कत भी होती है, क्योंकि मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ कई ऐसे स्टूडेंट जो बिहार में कहीं किसी से पढ़ लेते हैं और फिर जब मेंस देने उनको आता है कि जब मेंस का मौका आता है तो फिर वो दिल्ली चले आते हैं और फिर हम लोगों के साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं। ये जनरल ट्रेंड है, दिखाई देती है। जब उन लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई समाज आप पे क्या समझते हैं, समाज और संस्कृति में क्या रिलेशनशिप है, समाज और समुदाय में क्या रिलेशनशिप है, संस्था और समूह में क्या रिलेशनशिप है, समुदाय एवं समिति में क्या रिलेशनशिप है, तो उनका एक तो अवधारणा क्लियर नहीं होता है। दूसरा कि जब 66th बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन को देखें तो एक शॉर्ट नोट्स जो पूछा जिसमें आपको वृंद भी पूछा, जनजाति भी पूछा और जाति भी पूछा, तीन चीज़ों को, जाति हम लोग पढ़ते हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, तो तीन चीज़ों को एक साथ मिला करके एक साथ मिक्स करके आपसे प्रश्न पूछे गए। अब देखो जब तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा इन तीनों का, तब तक इन तीनों का कंपेरेटिव आप पे आंसर नहीं लिख पाएंगे, या आप बना करके लिखते हैं जिसमें मार्क्स कम आती है, क्योंकि वृंद क्या है, एक लघु समूह है, जनजाति क्या है, एक लघु समुदाय है, वृंद एवं जनजाति दोनों समतावादी समाज के उदाहरण है, जाति अस्त्रीकृत समाज का उदाहरण है, एक तो ध्यान में रखना है ये। तो ये तीनों को कॉन्सेप्ट को एक साथ कंपेरेटिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी। दूसरा कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग हम सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में करते हैं, क्योंकि एक सिंपल प्रश्न अगर आप सोचिए कि प्रश्न पूछा जाए कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है, तो क्या आंसर आप लिखेंगे, और फिर पूछा जाए कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संघ है, एसोसिएशन है, फैमिली इज द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली इज द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन और फैमिली इज द यूनिवर्सल सोशल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन काइंड, तो क्या दोनों के आंसर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। यानी एक जगह हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सोशल एसोसिएशन है और एक जगह हम करें कि यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो जब आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि फैमिली एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है और फैमिली एक सार्वभौमिक सामाजिक समिति है या संघ है, तो दोनों के आंसर डिफरेंट होते हैं। कभी अगर प्रश्न पूछा कि फैमिली एक सामाजिक समूह है, परिवार एक सामाजिक समूह है, तो उसके आंसर भी डिफरेंट होंगे। तो आपको जब तक इस कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्सेप्ट की चर्चा हमने की जिसके अंतर्गत आप संस्कृति की बात कर सकते हैं, सभ्यता, समिति, संघ, समुदाय, समाज, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, वृंद, जनजाति, इसका क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे भी है। इसके अलावा जो फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, ये टॉपिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी का कोर टॉपिक है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह डिफाइंड नहीं है इस टॉपिक में खास करके, क्योंकि जब मैरिज पढ़ने जाते हैं तो विवाह के अंतर्गत एक चीज विवाह की परिभाषा और विवाह की परिभाषा की समस्या दी हुई है, लेकिन विवाह के नियम क्लियर कट आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लॉ ऑफ मैरिज और रूल ऑफ मैरिज। अब देखो लॉ ऑफ मैरिज, अगर आप भी अपने आप से सवाल करो कि लॉ ऑफ मैरिज अगर पूछा जाएगा तो हम उसमें क्या आंसर लिखें, कई बार मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट हैं जो बिहार में तैयारी कर रहे हैं, कहीं पढ़ भी लेते हैं तो इस तरह की समस्याएं उनके सामने आती है कि लॉ ऑफ मैरिज और रेगुलेशन ऑफ मैरिज में पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है उनका, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ। सिलेबस में लॉ ऑफ मैरिज का तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको दिया हुआ है,
एक तो अगम्य गमन निषेध, इनसेस्ट टेबू, दूसरा एक्सोगेमी यानी बहिर्विवाह, और तीसरा इंडोगेमी यानी अंतः विवाह। लेकिन हाइपरगेमी और हाइपोगेमी नहीं दिया हुआ, तो पांच इंपॉर्टेंट चीज लॉ ऑफ मैरिज में ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर लॉ ऑफ मैरिज पूछा जाता है और आप तीन चीजों की बात करते, तीन भी आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट तो लॉ ऑफ मैरिज को टाइप ऑफ मैरिज भी समझते हैं और रेगुलेशन ऑफ मैरिज को भी टाइप ऑफ मैरिज में लिखते हैं। और कई जगह तो मैं ये इंटरेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट कहते हैं कि कहीं से वो पढ़ के आए हैं तो सर ने भी यही लिखा दिया है। क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लॉ ऑफ मैरिज का मतलब उसके अंतर्गत इंसेस्ट टेबू, एक्सोगेमी, इंडोगेमी, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ मैरिज में प्रिफरेंशियल मैरिज, ये केवल दिया हुआ है आपके सिलेबस में प्रिफरेंशियल मैरिज, लेकिन प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज भी है एंड प्रोस्क्रिप्टिव मैरिज भी है, यानी कि अधिमान विवाह भी, निर्धारित विवाह भी, निषिद्ध विवाह भी आपको देखना है उसमें। और टाइप्स ऑफ मैरिज फिर आपको ध्यान में रखना है। तो टाइप्स ऑफ मैरिज में भी कई लोग इंडोगेमी, एक्सोगेमी को या फिर प्रिफरेंशियल को उसमें शामिल करके पढ़ते रहते हैं। टाइप्स ऑफ मैरिज में आपको मोनोगेमी, एकल विवाह, और बहुविवाह, और बहुविवाह के अंतर्गत बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह और फिर समूह विवाह, ये तीन चीज आपको एकदम क्लियर कट ध्यान में रखना है। फिर विवाह के जो प्रकार है, फंक्शन जो है, वो आपको तैयार रखना है। कभी ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर आपको तैयार रखना है कि विवाह नामक जो संस्था है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर वैवाहिक भुगतान है, तो वैवाहिक भुगतान में तीन चीज ध्यान में रखना है। एक तो ब्राइड प्राइस, ब्राइड सर्विस एंड डाउरी, तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। आपके सिलेबस में केवल वधु मूल लिखा हुआ है, तो जो टॉपिक, जो चीजें सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है वो भी रिलेटेड है तो पढ़ना है, खासकर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कई स्टूडेंट उसके आंसर सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस को वो तैयार नहीं कर पाए हैं। इसके बाद आप देखिएगा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, परिवार भी आप इसी तरह से कर लीजिएगा और किनशिप भी कर लीजिएगा, क्योंकि किनशिप भी बहुत जटिल टॉपिक है और किनशिप में बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हाल के वर्षों में बीपीएससी ने पूछा है, क्योंकि जब किनशिप पढ़ने जाते हैं तो किनशिप क्या है, किनशिप पे का जो टाई है, किनशिप का जो स्ट्रक्चर है, उस किनशिप के स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर किनशिप और डिसेंट के बीच जो डिफरेंसेस है उसको ध्यान में रखना है, किनशिप और अलायंस के बीच में डिफरेंसेस है उसको ध्यान में रखना है, किनशिप से रिलेटेड जो थ्योरीज है जैसे अलायंस थ्योरी उसको भी ध्यान में रखना है। किनशिप टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत बीपीएससी ने दो तीन बार बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा, तो अब किनशिप टर्मिनोलॉजी पर जो आंसर आप लिख पाएंगे, जैसे एक बार जीपी मॉडक का स्टडी जो किनशिप टर्मिनोलॉजी में है, जीपी मॉडक ने जो अध्ययन किया था उसके आधार पर किनशिप टर्मिनोलॉजी का प्रश्न पूछा, तो आमतौर पर स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो किनशिप टर्मिनोलॉजी में दो ही चीज ध्यान में रखते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी और दूसरा क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजी, वर्गात्मक और फिर विवरणात्मक। लेकिन जब जीपी मॉडक ने 1949 ईस्वी में 250 समाजों के बीच अध्ययन किया था और उन्होंने जो लिखी सोशल स्ट्रक्चर, उस सोशल स्ट्रक्चर में उन्होंने किनशिप टर्मिनोलॉजी को 6 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था, तो आपको उसको लिखना है, तो आप उसको डिटेल में जाकर के अध्ययन करेंगे तभी आपको ये तैयार हो पाएगा, अदरवाइज आप तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, तो हाल के दिनों में बीपीएससी ने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है, जो आम तौर पर जो स्टूडेंट बीपीएससी के केवल सिलेबस को पढ़ता है वो स्टूडेंट उसको कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी
with a special reference to formalist and substantivist school of thought, यानी कि आर्थिक मानव विज्ञान के क्षेत्र का विवेचना आप कीजिए फॉर्मलिस्ट स्कूल और सब्सटेंटिविस्ट स्कूल के अनुसार। तो फॉर्मलिस्ट स्कूल और सब्सटेंटिविस्ट स्कूल ये बीपीएससी के सिलेबस में नहीं दिया है, यूपीएससी के सिलेबस में दिया है। तो देखिए इससे प्रॉब्लम कहाँ पड़ रही है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसको पढ़ रहे हैं और बीपीएससी में आप नहीं उसको पढ़ रहे हैं, जानते ही नहीं है, तो वो एक ट्विस्ट क्वेश्चन है, आप उसको छोड़ देते हैं। दूसरा व्यक्ति जो उसको जानता है या जो हम लोग के कंसल्ट में है, जो दिल्ली में हम लोग से आकर जो पढ़ रहा या जो ऑनलाइन क्लास में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग उस बात से अवगत रहता है और इसी कारण से उनको बेहतर मार्क्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है उसके रिलेवेंस को पूछा गया कि मार्केट और ट्रेड के अध्ययन में इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का रिलेवेंस किस प्रकार से है। अब देखो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जब पढ़ेंगे तो रिलेवेंस उसका अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं या हम उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी समस्याएं हैं। तो पहले तो आप समस्या को आप समझिए, क्योंकि जब तक आप ये पूरी चीज को ध्यान से नहीं समझेंगे या आपके पास एक स्टैंडर्ड गाइडेंस नहीं होगा तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो मैं आपको आज बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन के इसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी सोशल कंट्रोल, मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल जैसे टॉपिक है, सामाजिक नियंत्रण के जो उपकरण हैं सिंपल सोसाइटी में, ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक जो लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटी आपको दिया हुआ है, ट्रेडिशनली उसको आप तैयार करते हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है धर्म से, तो धर्म में आपको एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, टोटेम एंड टेबू ये आपको पढ़ना है। लेकिन आप क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन कभी भी उस पर ट्विस्ट किया जा सकता है। तो जब धर्म पढ़िए तो अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ रिलीजन, जिसके अंतर्गत इवोल्यूशनरी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इवोल्यूशनरी अप्रोच कैसे है धर्म का पढ़ने का, साइकोलॉजिकल कैसा है और फंक्शनल कैसा है। लास्टली अगर फिल्मोलॉजिकल ट्रेडिशन को भी आप देखें तो आमतौर पर पहले क्या होता था, 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष पहले, कि एक टॉपिक तैयार कर लिया फिल्मोलॉजिकल ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी और बस एज इट इज जाकर के उस पर लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन ही आता था वैसे ही फिल्मोलॉजिकल ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन हाल के वर्षों में आप देखिए कि फिल्मोलॉजिकल ट्रेडिशन पर भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है। तो आप इन टॉपिक को जब तक बेहतर तरीके से तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे और फिर आपका साल भर 2 साल का मेहनत बेकार हो जाता है। इसके बाद सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जो लास्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत बिहार की जनजातियों का अध्ययन करना है, उसको हम लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के साथ देखेंगे कि उसी के साथ आप उसको तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, इस सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट को आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा इससे कि आप पढ़ें, तो देखिए सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने के लिए आपके पास किताबें तो पर्याप्त है, राइट, जिसके अंतर्गत नदीम हसनैन की एक रिसेंट बुक आई है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, आप उसको देख सकते हैं, या मदान एवं मजुमदार की जो बुक है उसको भी देख सकते हैं। एक मेरी बुक है जो कि आपको पटना में बीपीसी के पास मिल जाएगी, छोटू बुक सेंटर के पास, उस बुक के में मैंने बड़ी कंसाइज रूप में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान और फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट को हिंदी में मैंने प्रोवाइड कराया है, लिखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं। लेकिन एक और सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में जो ध्यान देने वाली बात है
कि आपको इसके लिए केस स्टडी कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर मार्क्स मिले तो फिर आपको केस स्टडी कलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर टॉपिक वाइज, विवाह के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, नातेदारी के संदर्भ में, आर्थिक मनोविज्ञान के संदर्भ में, राजनीतिक मनोविज्ञान के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में आपको केस स्टडी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग देखें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को लेकर बिहार के जो स्टूडेंट हैं उसमें कुछ स्टूडेंट बड़ा दिग्भ्रमित होते हैं, वो भ्रमित रहते हैं और उनको कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन, पहला कन्फ्यूजन है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है इसके सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन है। ध्यान में रखिए कि जब आप सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत एक तो प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस बीपीएससी का तैयार नहीं है, राइट। एक प्रॉब्लम तो ये है, आधा अधूरा है। जैसे अगर आप पढ़ने जाएंगे प्राइमेट से रिलेटेड सिलेबस, तो प्राइमेट से रिलेटेड सिलेबस जो है आपको आधा अधूरा दिया हुआ है। दूसरा, अगर आप फॉसिल से रिलेटेड सिलेबस देखते हैं जो जीवाश्म वाला टॉपिक है, तो इस जीवाश्म वाले टॉपिक में प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम 20 के करीब 15-20 जीवाश्म को दिया हुआ है। प्रोप्लायोपिथकस, लेमनोपिथकस, प्लायोपिथकस, ये जो दिया हुआ है शुरू वाला पार्ट जीवाश्म में, उससे आमतौर पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 के बराबर बनती है, राइट। तो जीवाश्म को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसमें ध्यान ये रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट जीवाश्म आपको पढ़नी है, राइट। जिसमें ड्रायोपिथकस को, प्रोकॉन्सुल को आप पढ़ सकते हैं, रामापिथकस को आप तैयार कर लीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथकस को तैयार कर लीजिए, होमो हैबिलिस को तैयार कीजिए और नियंडरथल को तैयार कीजिए और होमो सेपियंस सेपियंस जिसके अंतर्गत क्रोमैग्नम, चांस लीड और ग्रिमाल्डी को तैयार कीजिए। इतने पर आप फोकस कीजिएगा जीवाश्म। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो जीवाश्म आप पढ़ने जाते हैं तो ध्यान ये रखना है कि जीवाश्म के अंतर्गत पहला चीज तो इसकी खोज आपको ध्यान में रखना है कि कब हुई और किस मानवशास्त्री ने किस पार्टिकुलर जीवाश्म की खोज की। खोज के बाद जीवाश्म में आप भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपको देना है। अब देखिए अगर आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए वर्ल्ड का मैप, देखिए वर्ल्ड का पूरा मैप अगर आप नहीं भी बना पाए तो कम से कम अफ्रीका, एशिया और यूरोप का आपको बनाना है, क्योंकि अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से आमतौर पर जीवाश्म नहीं प्राप्त हुआ, बहुत कम जीवाश्म नहीं न के बराबर प्राप्त हुआ और ऑस्ट्रेलिया से भी न के बराबर प्राप्त हुआ। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि अमेरिका में मनुष्य 16,000 बीसी में जाता है तो 16,000 बीसी में जीवाश्म तो बनेगा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में 48,000 बीसी में जाता है। तो मेन कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो ये जो सेक्शन है जिसको वर्ल्ड वर्ल्ड कहते हैं, पुरानी दुनिया जिसको कहते हैं, इसके मैप में आप रेखांकित करने का प्रयास कीजिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, होमो इरेक्टस का दिखाना है या नियंडरथल का दिखाना है या होमो सेपियंस का दिखाना है, तो कोशिश कीजिए कि मैप में उसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपको भौतिक विशेषता लिखना होता है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो जीवाश्म है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें लिखना होता है। तो जीवाश्म के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ऐसे पॉइंट को लिखिए जिससे इवोल्यूशन
की जानकारी मिलती है। अनावश्यक बहुत 20-25-30 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो कुछ डायग्राम आप बनाइए, यानी कि अस्कल का डायग्राम, जॉ का डायग्राम, अगर आपसे पॉसिबल है तो जरूर कोशिश कीजिए, बनाइए, डायग्रामेटिक के रूप में उसको प्रेजेंट करने का प्रयास कीजिए। तीसरा, आमतौर पर आप ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा ये सांस्कृतिक विशेषता, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 पॉइंट जो है कल्चरल जो विशेषता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करते हैं, जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करते हैं। तो जब जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मनुष्य के उद्विकास का अध्ययन करते हैं तो कल्चरल फीचर भी थोड़ा सा हमें उसमें देना है। एक और चीज, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो बिहार में बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा, मुस्त्रियन जीवाश्म, राइट? अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज करे कि इसमें पूछ क्या रहा है। देखिए, मुस्त्रियन जो कल्चर है, संस्कृति जो है, मध्यपुरा प्रशांत काल की संस्कृति है, जिसका निर्माता निंद्रथल को माना जाता है। तो दरअसल वो प्रश्न पूछ रहा था निंद्रथल के बारे में, लेकिन चूंकि आमतौर पर जब लोग पढ़ते हैं निंद्रथल तो केवल फिजिकल फीचर को समझते हैं और कल्चरल फीचर उसमें देते ही नहीं है या ना देखने का प्रयास करते हैं, और इसके कारण आप कंफ्यूज करके फिर आप छोड़ देते हैं। और इसके बाद जाति वृत्तीय स्थिति, राइट, फाइलोजेनेटिक पोजीशन, ये जीवाश्म के अध्ययन में फाइलोजेनेटिक पोजीशन का बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फॉसिल्स है उसका मनुष्य के उद्विकास में क्या भूमिका है। इसके लिए अब हाल के वर्षों में बहुत सारे स्टैंडर्ड डायग्राम उपलब्ध हैं, रिसेंट जो बुक आई है उसमें, तो आप उस डायग्राम को लेकर के और फाइलोजेनेटिक पोजीशन को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये जरूर जो कन्फ्यूजन आपका फॉसिल्स को लेकर है, एक तो उसके सिलेबस को लेकर भी आपको कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिएगा, और ये 6-7 जो इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स है उसका अध्ययन कीजिए, कॉन्सेंट्रेट करके आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद एक और जगह कन्फ्यूजन आमतौर पर जो स्टूडेंट को दिखाई देता है वो रेस से रिलेटेड टॉपिक। रेस से रिलेटेड टॉपिक जब आप देखिएगा तो देखिएगा कि उसमें 4-5-6 सब टॉपिक बनाया हुआ है, और उसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि आप आमतौर पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें हम पढ़ें क्या, राइट? देखिए, रेस के टॉपिक के अंतर्गत 4-5 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, कि रेस से संबंधित कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड, रेस फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, यानी रेस का निर्माण कैसे हो रहा, रेस फॉर्मेशन, राइट? और तीसरा जो है आपको रेशियल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, राइट? रेशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें उसके क्राइटेरिया को पढ़ना है, क्राइटेरिया को, रेशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल भी आपको पढ़ना है और मॉर्फोस्कोपिक भी पढ़ना है, और फिर आपको जेनेटिकल भी पढ़ना है। इसके अलावे फिर आप रेसिज्म को देख लीजिएगा, राइट? मतलब प्रजाति की अवधारणा पढ़ना है, प्रजाति निर्माण पढ़ना है, प्रजाति वर्गीकरण पढ़ना है, प्रजातिवाद पढ़ना है, और फिर दुनिया के जो मेजर रेस हैं उसमें, सब रेस में नहीं जाइएगा, हालांकि उसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में, कभी कभार सब रेस पर एकाध कभी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। अगर आप सब रेस पढ़ने लगेंगे कि कॉकोसाइड जो प्रजाति है उसमें कौन कौन उसके सब रेस हैं, तो फिर आपको 20-25 रेस पढ़ना पड़ता है, तो वो एक जटिल हो जाता है। आप केवल कॉकोसाइड, मंगोलाइड, निगोराइड, ये 3 चीज पढ़ लीजिएगा, और फिर उसी में लास्ट में टॉपिक है
भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण, तो भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ये इथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट इन इंडियन पॉपुलेशन जो टॉपिक है, तो वहाँ उसको देख लीजिए, एक जगह कहीं देख लीजिए जिसमें आप रिजले का पढ़ सकते हैं, गुहा का पढ़ सकते हैं और सरकार का पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपका टॉपिक है बहुत सिंपल है और क्लियर कट दिया हुआ है, तीन टॉपिक जिसमें ह्यूमन एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और मैन प्लेस इन एनिमल किंगडम और प्राइमेट से रिलेटेड मैन एंड एप और सोशल बिहेवियर ऑफ मंकी एंड एप, ये दिया हुआ है टॉपिक। और एक टॉपिक आपका है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर न्यूट्रिशन का है, और फिर हाइब्रिडाइजेशन है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है और सिंपली आप तैयार कर सकते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ने जाए तो देखिए, हिंदी माध्यम में एक बुक है शर्मा एम शर्मा, है ना, ये बुक में आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ध्यान रखना। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के एक बुक में पूरी सिलेबस मिल जाएगी। मेरी जो पुस्तक है उसमें भी मैंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो बीपीएससी का जो पार्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सिंपल और सॉलिड लिखा हुआ, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर देखें और उसको सॉल्व करने का भी आप प्रयास करें। इसके बाद हम बात करें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का, तो देखिए इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो टॉपिक है देखने में ये बहुत सिंपल लगता है और कोई भी स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं उनको लगता है कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बहुत आसानी पूर्वक हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स के दृष्टिकोण से थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमें ध्यान कहाँ पर देना है, तो पहला तो आपको यहाँ पर देना है प्राक इतिहास, ये बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है, और सिंधु सभ्यता, यानी जो टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है उस टॉपिक को बहुत ध्यान से आपको तैयार करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिएगा कि बीपीएससी लगातार इससे एक नए क्वेश्चन पूछता है। दो क्वेश्चन आपको लिखना है, एक नए क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता ही है। फिर हमने बात किया इथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट इन इंडियन पॉपुलेशन, इन भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण, निर्जातीय वर्गीकरण और भारतीय जनसंख्या का भाषाई वर्गीकरण, ये दोनों टॉपिक बड़ा फैक्चुअल है। अगर आपको फैक्ट्स याद है तो इस टॉपिक को तैयार जरूर कर लीजिए। फिर भारतीय जो समाज है, परंपरागत भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वर्ण आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कर्म एवं पुनर्जन्म, ऋण की अवधारणा है, फिर आप जाति व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, और जाति व्यवस्था एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, राइट। इसलिए जाति व्यवस्था पढ़ने जाएं तो आप एक दो डेफिनेशन याद रखें कि जाति क्या है, दूसरा जाति की विशेषताएं क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के दृष्टिकोण आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जाति व्यवस्था को आप बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। समझने के लिए भी मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कभी स्टैंडर्ड पूछेगा तो उस पर पूछ देगा, जिसके अंतर्गत हम जाति व्यवस्था के अध्ययन का जो दृष्टिकोण है उसमें एक तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा संरचनात्मक दृष्टिकोण भी हम लोग पढ़ते हैं, और तीसरा रीजनल दृष्टिकोण भी है, क्योंकि जाति की अवधारणा एक क्षेत्रीय अवधारणा है। फिर जाति के फंक्शन, जाति पढ़ेंगे तो जजमानी व्यवस्था से उसके रिलेशंस भी आप ध्यान में रखिएगा, और फिर जाति में परिवर्तन, फ्यूचर इन कास्ट सिस्टम, भविष्य में जाति किस प्रकार से होगी। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि बार बार आपके जीएस में प्रश्न पूछता है कि बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका है ना, तो अगर यहाँ जाति बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे तो उसको जीएस के टॉपिक जो है उसको भी आप तैयार कर लें, संयुक्त परिवार भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में, ये है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एकदम आपकी तैयार होनी चाहिए और बहुत बेहतर तरीके से वो तैयार होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक,
जिसके अंतर्गत हम लोग नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो एलपी विद्यार्थी का है और सेक्रेट कॉम्प्लेक्स भी एलपी विद्यार्थी का है उसको पढ़ें। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, ये ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम जरूर आप पढ़ें, एफ जी वैली का कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने चर्चा किया कि यहाँ पर 66 में जो बीपीएससी है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछा आपको वृंद जनजाति और जाति, तो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम क्या कह रहा है कि जाति और जनजाति के बीच कंटिन्यूटी है, तो एक अप्रोच तो डिफरेंसेस पर ध्यान दिया जाता है जाति और जनजाति के बीच, दूसरा दोनों में कुछ समानताएं भी है, दोनों एक दूसरे के साथ अपने संस्कृति का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को अगर पढ़ेंगे बहुत बेहतर से तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं और उसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा डोमिनेंट कास्ट, जब कास्ट आप पढ़ें तो डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा भी पढ़ें और कोशिश कीजिए कि अगर डोमिनेंट कास्ट पर बिहार से कोई अगर अध्ययन हुआ है तो आप उसको भी दे सकते हैं। भागलपुर में जो बिहार के जादव जाति है डोमिनेंट कास्ट, उसका अध्ययन किया गया है। इसके अलावा आप लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये मेजर जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको पढ़ना चाहिए और न केवल इसको पढ़ना है बल्कि अदर जगह इसका एप्लीकेशन भी करना है। केस स्टडी के रूप में भी ये जो स्टडी है और अगर आपको कहीं यूज करना है, सामाजिक परिवर्तन को दिखाना है, सांस्कृतिक परिवर्तन को दिखाना है, तो केस स्टडी के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर इंडियन भारत में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का विकास टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन दूसरा आए तो वो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद जो टॉपिक है वो जनजाति से रिलेटेड है, राइट? तो भारत की जनजाति हालांकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बिहार की जनजातियों पर, राइट? और बिहार की जो जनजाति है संथाल, मुंडा, उड़ाव, असुर, बिरहोर, इसका तो इथनोग्राफिक प्रोफाइल तैयार कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर हमने कहा कि एक टॉपिक जो कि लास्ट में दिया हुआ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, उसको भी आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। अगर इथनोग्राफिक प्रोफाइल तैयार कर लेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ट्राइबल के संदर्भ में जो संवैधानिक संरक्षण उपाय है और अनुसूचित जाति के संदर्भ में भी जो संवैधानिक संरक्षण उपाय है उसकी आर्टिकल तो एकदम से याद होनी चाहिए, लेकिन उसमें कभी कभार क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड पूछेगा कि संवैधानिक संरक्षण जो उपाय है किस हद तक भारत की जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने में या अनुसूचित जाति को सुरक्षा प्रदान करने में सफल रहा है, तो फिर इसके आंसर को दिखाने के लिए हमें डेटा चाहिए। ट्राइबल के संदर्भ में डेटा तो जनजातीय कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट से मिल जाएगा, जहां पर एक चैप्टर के अंतर्गत इनकी जनसंख्या, इनके शिक्षा, इनके स्वास्थ्य से संबंधित सारा जो सोशल जो इंडिकेटर है उसकी अनुरूप एनालिसिस किया हुआ है, तो आप वहां से लेकर के और दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट बाकी है, क्योंकि अगर जनरल पॉपुलेशन से तुलना कीजिएगा तो फिर बहुत गैप है। और फिर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉलिसी, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से जो चैप्टर उसमें है उस चैप्टर से आप ले सकते हैं। आप खाका कमेटी रिपोर्ट को भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। और फिर रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत अच्छा से तैयारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी और कई केस स्टडी भी आपको लिखना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, लास्ट जो टॉपिक है वह टॉपिक आपके नेशनल इंटीग्रेशन से है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हाल के वर्षों में, जो भारत में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है उसके दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
66 में एक क्वेश्चन पूछा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, है ना, भारतीय समाज में अनेकता एकता का जो तत्व है, ये दरअसल नेशनल इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्लस सिलेबस को ध्यान में रखना है। सिलेबस का हमने डिस्कशन किया आपके साथ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर आप देखें, उसको भी डिस्कशन आपको करना है। क्या पढ़ें, तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने का कोई समस्या नहीं, क्योंकि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए बुक हिंदी में आपको नदीम हसनैन की बुक है, भारतीय मानव विज्ञान, जनजातीय भारत, ये दो किताब सफिशियंट है, जिसको पढ़ के और जिसके माध्यम से आप इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। एक और किताब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का है, ARN श्रीवास्तव का जनजातीय विकास के 5 दशक, ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया किताब है, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट को बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया है। तो इनके माध्यम से आप इस सेक्शन का भी तैयारी कर सकते हैं। इस सेक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कुछ केस स्टडी कलेक्ट कीजिएगा, राइट, और कोशिश कीजिए कि केस स्टडी के माध्यम से हम अपनी बातों को रखें। अगर एक क्वेश्चन में एक दो केस स्टडी अगर आप डाल देते हैं तो 2-3 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाता है, और इस तरह से आप BPSC मेंस जो 67th है उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने अब ऑफलाइन क्लास भी दिल्ली में शुरू किया है, और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ करके और आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और किसी तरह की आपको समस्याएं आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।